गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि सेबी ने कुछ स्टडीज़ की है ट्रेडर्स के ऊपर, स्पेशली जो फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क जोन माना जाता है, हाई रिस्क सेगमेंट माना जाता है। ये एक्चुअली अगर देखा जाए सेबी स्टडी कुछ हद तक ये बहुत सही है, और मैंने खुद के लिए भी अप्लाई करके देखी, उसमें भी मैं फिट बैठ रहा हूँ। तो मुझे लगता है इस ये स्टडीज़ के ऊपर यूजुअली थोड़ा फोकस करना चाहिए, और ट्रेडर्स को उस हिसाब से ट्रेडिंग में घुसना चाहिए, अपना कैपिटल देख के, अपना अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के, आप पूरी चीज़ें सारे सीख के। क्योंकि जिस तरह से ये मार्केट चलता है, बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे ट्यूशंस, बहुत सारे ट्रेंड्स, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये लोग सब कुछ सीख के आते हैं, फिर भी मार्केट में लॉस करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो गेम चलता है वो चलता है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी का गेम कैसे चलता है सो समझ लीजिए, मार्केट में ट्रेडिंग चल रहा है, मतलब कोई बेचने वाला है, कोई खरीदने वाला है। यूजुअली जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो सेलर्स होते हैं, छोटे प्लेयर्स होते हैं वो बायर्स होते हैं। छोटे प्लेयर्स मतलब रिटेलर्स, जो रिटेलर्स डे टू डे ट्रेड करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, ये जो बड़े प्लेयर्स हैं इनका पर्सपेक्टिव डे का नहीं रहता है, इनकी पोजीशंस एक एक महीने के लिए बनी रहती है, इनका प्रॉफिट परसेंटेज उन पहले से डिसाइड रहता है, रिस्क के लिए पोजीशन हेज रहती है, इसलिए रिस्क भी इनको बहुत कम होता है। सेलिंग में इनके स्टॉप लॉसेस फिक्स होते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज फिक्स होता है, और यूजुअली क्या होता है ये मंथ एक्सपायरी के हिसाब से इनकी पोजीशन बनी रहती है। बट जो ऑप्शन बायर होता है वो ये सोच के आता है कि दिन में मैं आके 500 रुपये कमाऊँगा, 1000 रुपये कमाऊँगा, तो महीने का अगर 20 ट्रेडिंग सेशन से तो मैं 20,000 कमा लूँगा। बट ये एक्चुअली एक मिथ है, क्योंकि क्या होता है आप 5 दिन कमा लोगे 1000 1000 रुपीज़, बट क्या होता है कि गलती से एक दिन ऐसा आता है जिस दिन में आपका 10 से 15,000 लॉस होता है, और आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट प्लस कैपिटल चला जाता है। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, कोई फिक्सिटी नहीं है, हर रोज़ ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। जिस दिन पे आप कंफर्टेबल हो, आपको 2-3 साल के प्रैक्टिस के बाद पता चलने लगता है कि कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, उसी टाइम पीरियड ही आपको प्ले करना है। उसके बाद आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, डे ट्रेडर हो, इवनिंग ट्रेडर्स हो, मतलब मोस्ट लोग कुछ लोग हैं वो मॉर्निंग में अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं, कुछ कुछ लोग आफ्टरनून सेशन में अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं, कुछ कुछ मार्केट एंड में अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद आपको ये कन्फर्म करना है कि कौन से टाइम फ्रेम पर मैं अच्छा ट्रेड कर पा रहा हूँ। दिन भर लैपटॉप पे, दिन भर स्क्रीन के सामने बैठ के आप मेंटल फटीग हो जाते हो, और इवनिंग तक आपकी डिसीजन मेकिंग एनालिसिस भी बहुत पुअर हो जाती है। जब भी मार्केट में आपको प्रॉफिट मिले, मार्केट को वापस नहीं देखना है, ये फंडा है मार्केट का, जितना भी प्रॉफिट है हमेशा आपको ग्रीन में बाहर निकलना है। अगर ग्रीन है तो आपको देखना नहीं है कि मैंने इतना बड़ा ट्रेंड मिस किया, ये किया, वो किया, आपको पैसे लेके निकलना है, नेक्स्ट डे आपको ट्राई करना है, क्योंकि एटलीस्ट उस दिन आपका खराब नहीं जाएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, फ्राइडे के दिन आपको बड़ा लॉस नहीं करना है, क्योंकि फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे संडे जो छुट्टी होती है, और अगर आप फ्राइडे को बड़ा लॉस करते हो तो आपको लॉस रिकवर करने की अपॉर्चुनिटी सीधा मंडे आती है। और यूजुअली क्या होता है, सैटरडे संडे टाइम डीके की वजह से, जो गीक्स है उसकी वजह से प्रीमियम में डीके होता है, और मंडे को मॉर्निंग में हम इम्पल्सिवली कोई बड़ी बड़ी कैपिटल के साथ अब रिवेंज ट्रेड करते हैं और मंडे को बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं। थर्ड, बिकॉज ऑफ आप फ्राइडे लॉस करते हो, आपका सैटरडे संडे बहुत ख़राब जाता है, आप किसी से बात नहीं कर पाते हो, आपकी एनजाइटी डिप्रेशन बढ़ जाता है, आपको अकेले रहने का मन करता है, आप कोई चीज़ एंजॉय नहीं कर पाते हो, बाकी अगर कुछ काम है उसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता। तो सेबी स्टडी में यूजुअली अभी ज़ीरोधा पोर्टल पे आप देखते हो, जैसे ही ज़ीरोधा पोर्टल ओपन होता है उसके ऊपर रिस्क डिस्क्लोजर ऑन डेरिवेटिव्स करके एक पेज आता है, उसमें क्या लिखा है, 4 पॉइंट्स है यूजुअली ट्रेडर जिस प्रकार से लॉस करते हैं, और अगर प्रॉफिट होता है तो कितना प्रॉफिट होता है। यूजुअली अगर देखा जाए 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट्स इनकर्ड नेट लॉसेस, मतलब 10 में से 9 लोग लॉस करके जाते हैं। मतलब ये अगर देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से सिर्फ 1% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है जो प्रॉफिट कर रहे हैं, बाकी 9 आउट ऑफ 10 लॉस कर रहे हैं। सेकेंड, ऑन एन एवरेज लॉस मेकर रजिस्टर नेट ट्रेडिंग लॉस क्लोज टू 50,000। मतलब अगर कोई बिगिनर मार्केट में आ रहा है तो इतना टाइम तक ट्रेड करता है कि वो 50,000 मिनिमम लॉस कर ही देता है, मार्केट को गिफ्ट 50,000 का देके एक तो मार्केट छोड़ के चला जाता है, या अगर कंसिस्टेंटली सस्टेन रहता है तो और बड़े लॉसेस करते जाता है। थर्ड, ओवर एंड अबोव द नेट ट्रेडिंग लॉसेज इनकर्ड लॉस मेकर एक्सपेंडेड एन एडिशनल 28% नेट ट्रेडिंग लॉसेज एज ए ट्रांजेक्शन कॉस्ट। मतलब जितने भी मार्केट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जैसे ब्रोकरेज है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस है, डीपी चार्जेस है, जीएसटी है, टैक्स है, ये सारा पकड़ के लॉस में से 28% तो वो खुद वही दे उधर ही दे बैठता है ब्रोकरेज और बाकी सारी चीज़ों में।
फोर्थ पॉइंट है, दोज मेकिंग नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकर्ड बिटवीन 15 to 15% ऑफ सच प्रॉफिट एज ए ट्रांजेक्शन कॉस्ट। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि आप जितना भी प्रॉफिट करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम 15 to 15% उसमें से जो प्रॉफिट में से जो परसेंटेज है वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट में ही चला जाता है। फिर भी लोग फ्यूचर ऑप्शंस और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इतने बेताब क्यों होते हैं, इसमें घुसना क्यों चाहते हैं, इसका रीज़न इसके पीछे एक है कि यूजुअली जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि इतना प्रॉफिट मैंने कमाया, उतना प्रॉफिट कमाया, बट अगर देखो कि आप उनकी क्वांटिटी साइज़ इतनी बड़ी होती है, अगर वो चार पाँच पॉइंट भी कैच कर ले तो उनका प्रॉफिट बड़ा दिखने लगता है। बट फिर भी इतना बड़ा लॉट साइज, इतनी बड़ी क्वांटिटी डालने के लिए आपके पास गट्स चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, 2-3 साल का स्ट्रगल चाहिए, तभी जाके आप इतना स्टेप ले सकते हो कि इतनी क्वांटिटी में इतना, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है 2-3 साल के बाद कि ये ट्रेड में मैंने आज तक कभी लॉस नहीं किया, एटलीस्ट महीने में इस साइड पे इस टाइम पे मैं इसमें एंट्री कर सकता हूँ। कभी कभार हीरो टू जीरो के प्रीमियम्स आप देखते हो, कभी कभार देखते हो कि 1 रुपये का प्रीमियम 200 चला गया, बट यूजुअली क्या होता है जो 1 रुपये लोवेस्ट उसका जो प्राइस है वो यूजुअली सिर्फ चार्ट पे देखने के लिए होता है, बट कभी मुझे नहीं लगता 100 out of 80 to 90% लोग उस प्राइस को पकड़ नहीं पाते उस ट्रेड में, ये 10 या 20 रुपये में घुसते हैं और उसके बाद 50 रुपीज़ का अगर जाने के बाद बाहर निकलते, किसी के पास इतना गट्स नहीं है कि वो 10 को 200 तक पकड़े। तो अभी सेबी स्टडी ये हुई है 25 January 2023 को, और उसके हिसाब से ऐसा है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको ट्रेंड होना चाहिए, साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए, 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी जाके आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसना है। ये आज के लिए टिप्स है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ डिटेल्स मार्केट के बारे में बताऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।